सुल्तानपुर से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर सुल्तानपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट, जेईई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोध प्रतीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के भारतीय डाक विभाग मुख्य डाकखाना गेट के सामने नारेबाजी व स्लोगन के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। ऐसे में जहां एक तरफ महामारी का प्रकोप पूरे देश में तीव्र गति से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। ऐसे में छात्र और अभिभावक परेशान और डर महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम को कोविड 19 गाइडलाइन एडवाइजरी का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर पाठक, देवेंद्र तिवारी, प्रवक्ता नफीस फारूकी, उपाध्यक्ष कंचन सिंह, महासचिव विजय पाल, सचिव पवन मिश्रा नन्हे, सचिव जनार्दन शुक्ला, राजेश पाठक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जमा खान, हौसला प्रसाद भीम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी, काशी प्रसाद मिश्रा, मदन कुमार तिवारी, एडवोकेट नीलम गौतम, प्रेम कुमार, रामनाथ तिवारी, प्रभात पाल, शीतला साहू आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, आज हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे प्रदर्शन था कि जो केंद्र सरकार जेई और नेट की परीक्षाएं करा रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने हेड पोस्ट ऑफिस के सामने, जो केंद्र सरकार का ही एक विभाग है, उसके सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार किस तरह युवाओं के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसी के विरोध में आज का यह कार्यक्रम रहा। अभी कुछ दिन पहले ही बीएड की, बीओ की परीक्षाएं कराई है लोग, उसका भी नतीजा सामने आया। कई कोविड पॉजिटिव बच्चे आके उसमें परीक्षाएं दिए, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, हम पॉजिटिव हैं, हमें होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन हमारा एक सत्र बर्बाद हो जाता, हमारे पैसे इसमें लगे थे, इसलिए हम आके परीक्षा दे रहे हैं। ना जाने कितने लड़कों को उन मरीजों ने आके यहाँ पे संक्रमित किया। उसी तरह सरकार फिर भी एक फिर ऐसा फैसला कर दी है, फिर ऐसा कदम उठाने जा रही है कि फिर से परीक्षाएं, जो देश के सबसे बड़ी टॉप क्लास की परीक्षा मानी जाती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल वर्ग के बच्चे ही भाग लेते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अगर सरकार ने अपना कदम वापस नहीं लिया, इस पर फैसला अपना नहीं बदला, तो निश्चित ही कांग्रेस इसके लिए बड़ा आंदोलन चलाएगी।